दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पर्यावरण की महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ेंगे, जहां पर आज का टॉपिक का नाम है जैव विविधता। जैव विविधता एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा अध्याय है जहां से प्राय हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप जैव पर्यावरण को पढ़ रहे होंगे शुरू से या प्रारंभ से लेकर, तो आपके मन में एक बात हमेशा रही होगी कि पर्यावरण की तैयारी कैसे की जाए या पर्यावरण में बेहतर कैसे दिया जाए। उसके लिए इलेनी पे दुर्गेश टीम आपके साथ है। और आप वीडियो को देखने से पहले कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि कॉपी कलम रहेगा तो शायद आप जो इसके प्रमुख तथ्य होंगे वो भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे और आपकी बेहतर बढ़िया नोट्स भी तैयार हो जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल आपको तथ्यों को पढ़ाना नहीं है, अभी तो हमारा उद्देश्य है कि तथ्यों के साथ साथ हम आपकी बेहतर नोट्स बना दें। तो आप वीडियो के अगर अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी के अब हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए और आज हमें ये पढ़नी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि हमारी परीक्षाओं में ऐसे जो प्रश्न आते हैं कैसे उनको हल करना है। तो पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार मैंने आपसे बताया है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो भैया देरी क्यों करें हम ऐसे प्रश्नों को जवाब देने के लिए। तो बताइए फटाफट कमेंट करके सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। देखिए किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, आज हमें देखना है कि कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि पिरेरी वन, पतझड़ी वन, टैगा वन। देखिए किस पर्यावरण जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, आज आपको जानकर काफी हैरानी होगी। ऐसे प्रश्न को, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, अगर आपका उत्तर ये सही हो जाए तो वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। गहरे सागर, जी हाँ, जो गहरा सागर होता है, डीप ओशियन जो होता है, वहां पर जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। यह आपके सिविल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, या आप एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, वहां के लिए प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होगा? गहरे सागर। जी हाँ, गहरा सागर इसका सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। एक प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है, इसे मूंगा कहते हैं। जी हाँ, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद आप दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। जल्दी से जो लोग देख रहे हैं, आखिर कैसे प्रवाल खत्म हो रहे, लगातार प्रवाल पर कैसा मतलब कमी क्यों आ रही है, क्या ऐसा कारण है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। देखिए गलत या सही सभी लोग जवाब दीजिएगा। यकीनन ऐसी पर्यावरण सीरीज आपने यूट्यूब पर नहीं पढ़ी होगी, इस बात की गारंटी है 100%। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर उत्तर आया प्रवाल रोगों का फैलना। हाँ, जब रोग आता है जैसे महामारी आती है तो जन काफी दिक्कत होती है। फिर कह रहे सागरी जल में अवसादन के जमाव होने से भी हो रहा, लेकिन प्रवाल का जो खत्म होने का कारण है वो सबसे बड़ा कारण है वैश्विक उष्मन या टेम्परेचर का बढ़ना। लगातार तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी ग्लोबलाइजेशन है, मतलब पृथ्वी का जो वैश्विक तापक्रम है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और लगातार। ठीक है, यह आपने ध्यान से देखा किसका उत्तर जो होगा डी होगा। मतलब अभी तक दोनों प्रश्न के जवाब किसी ने भी सही नहीं दिया, एक लोग को दो लोग को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों के प्रश्न के जवाब गलत थे। देखिए ऐसे प्रश्नों की सीरीज अगर आपको लगातार पढ़नी है तो भैया एक काम करिए, ऐसे प्रश्नों को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो पहला काम लाइक करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगर आप लोग संख्या बल बेहतर होगा तो हम काफी लंबी क्लास लेंगे। यहाँ पर है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी का जवाब पूरी तरह से सही होगा। जिनके जवाब सही होंगे वीडियो को सबसे पहले लोगों को शेयर करेंगे, लोगों को पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे जहां भी आप देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि आप देखिए केरल में शांत घाटी है। केरल में क्या है? शांत घाटी, ये आपका केरल है, ये आपका क्या है? केरल। तो केरल में जो शांत घाटी है वहां पे सबसे ज्यादा अगर हम जैव विविधता की बात करें सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलती है? शांत घाटी मिलती है। अब जरा बताइए
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या तो क्लास खत्म होने के बाद देखेंगे या पहले देखेंगे, वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि फूलों की घाटी कहाँ है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो आप जरा जवाब दीजिएगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। जो भी साथी लनिभित दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके बताएं कि फूलों की घाटी कहाँ है। ये क्लास आपकी रात 9:30 इन लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, बताइए फटाफट कमेंट करके कि जो फूलों की घाटी है वो कहां पर है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड इसका सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, यहां पे शिक्षक भर्ती की जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, 50% ऑफर है और इसमें आपको वीडियो कोर्स, आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और ये क्लासेज जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है। ये मोबाइल नंबर आपके काम का, इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। वेटलैंड दिवस को हम आर्द्र भूमि कहते हैं, जी हाँ आर्द्र भूमि। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें और जवाब दें कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। यार आप लोग के प्रश्न को जवाब तो देना चाहिए। आप लोग ऐसे देखिए, यहाँ पर 2 फरवरी इसका सही जवाब है, एक इसका उत्तर और है, मैं उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। वेटलैंड दिवस ये परीक्षा में प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न है और यहाँ से परीक्षा में प्रायः प्रश्न आता है, आप जानते रहिएगा। थोड़ा सरल प्रश्न है और आप यहाँ से कहेंगे हाँ सर ये तो सरल तो है, यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? 2 फरवरी इसका सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है आप लोग को क्योंकि भैया ऐसी टॉपिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैविक विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? भैया जैविक विविधता ह्रास होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो भी साथी नए आ रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ताकि आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करा दी जा सके। जल्दी से फटाफट कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें और जवाब जरूर देंगे, इसका उत्तर क्या होगा? भैया जी जवाब दीजिए, गलत सही सभी लोग जवाब दें। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि उत्तर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब आप जरूर दीजिएगा। जी हाँ आप जवाब जरूर दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करें, गलत सही जवाब जरूर दें आप। देखिए यहां पर एक बात आपको याद रखना होगा, अनुवांशिक का आत्मसारणता, परिभक्षियों का नियंत्रण, प्रकृतवाद का विनाश कीट, क्या कारण है कि जैव विविधता खतरे में? हमारे यहाँ जैव विविधता खतरे में क्यों है? जी हाँ काफी लोगों ने सही बताया है, जी हाँ काफी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है। यहाँ पर होगा प्रकृतवास का विनाश, इज राइट आंसर, प्रकृतवास का विनाश। यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका क्या होगा? वह सी, यहाँ पे सही जवाब है, सी का राइट आंसर है, सी वाले एकदम सही है। देखिए जो प्रकृति में जब हम लगातार विनाश करेंगे, जो वास है उनका वास खत्म करेंगे तो क्या होगा? तभी तो जैव विविधता खतरे में। जैसे इसका कारण आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्राकृतिक वास विनाश होने का सबसे बड़े कारण क्या है? आप सभी साथी 5 लाइन में आप बताएंगे प्रकृति वास के 5 कारण बताइए, प्राकृतिक वास के विनाश के 5 कारण आप लोग को बताना है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग 5 कारण बताएंगे, ऐसे 5 कारण कौन से हैं जिसके कारण प्राकृतिक वास का विनाश हो रहा है? गलत या सही सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा चाहे अभी लाइव दीजिएगा, आपके ऊपर है, लेकिन जवाब जरूर देना है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेद की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अगर भविष्य में कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसा प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। ये पशुओं को दी जाने वाली दवा है, ये पशुओं को दी जाने वाली दवा है और जब पशु खा को मर जाते हैं तो फिर वह जो गिद्ध होते हैं पशुओं के मांस खाते हैं मरे हुए पशुओं का, फिर उनके आंत जो होते हैं गलने लगते हैं जिससे उनकी मृत्यु लगातार मतलब संख्या में कमी आ रही है, तो कौन सा दवा है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा, बताइए जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना उन लोगों ने, जितने लोगों ने लाइक किया है भगवान करो जल्दी से नौकरी करें और उनके परीक्षाओं में प्रश्न गलत ना हो, जो अनलाइक करो जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाए जैसे आज कर रहे हैं। देखिए डिक्लोफेनिक सोडियम उसका नाम है, ठीक है, उसको प्राय इतना ही नाम आता है, डिक्लोफेनिक उसका नाम डिक्लोफेनिक आता है, तो डिक्लोफेनिक आप लोग जानते रहिएगा क्योंकि डिक्लोफेनिक है। जी हाँ ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके वजह से क्या होता है, जो गिद्ध होते हैं गिद्ध की आंत जो होती है पेट की जो आंत होती है वो खराब हो जाती है। इसी तरह मलेशिया में एक पक्षी है,
मलेशिया में एक पक्षी है वो भी विलुप्त हो रहा है, उसका नाम है डोडो। अभी उसके बारे में और चीज़ें जानेंगे, क्या कारण है, किस वजह से मलेशिया के पक्षी विलुप्त हो रहा है। भारत में गिद्ध, जिसका कारण ये है डिक्लोफेनिक सोडियम। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जिस हाँ जितने लोगों ने लाइक किया भगवान करे वो दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें, और लाइक करने वाले ऐसे जिंदगी भर करते रह जाएं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट क्या है। देखिए भैया, हॉटस्पॉट मोबाइल वाला नहीं है कि दूसरे की वाइफ को पकड़ा लेना, ये वाला हॉटस्पॉट नहीं है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और आप दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। और ये हमारा काम चलो भारत का मैप है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन हाँ ये आपको इतना समझने के लिए जरूरी है कि भारत क्या है, मतलब इतने में आपको ये बता देगा कि भारत क्या है। जरा फटाफट कमेंट करें, बताएं, जवाब दें कि भारत में पाया जाने वाला जो हॉटस्पॉट है वो क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉल ट्रिक बताया, अगर वो ट्रिक आपको ख्याल होगी तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न का जवाब कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे पूर्वी, देखिए पूर्वी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, यहाँ पे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी नहीं है, मैंने ये काट दीजिए। तो पूर्वी घाट कहाँ पे, यहाँ पर ये गलत, पूर्वी घाट यहाँ पर ये गलत, पूर्वी घाट यहाँ पर ये गलत, ये कल का रिपीटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा सी, माने पूर्वी हिमालय माने हिमालय का जो ये रेंज है, ठीक। फिर कह रहा है पश्चिमी घाट माने ये, यहाँ पे इन दोनों जगह सबसे ज्यादा या हॉटस्पॉट जोन पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी प्रश्न का राइट आंसर, सी प्रश्न का। ये प्रश्न बार बार लाते हैं कि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है और आप गलती करते हैं, तो भगवान के लिए ऐसी गलती दोबारा आप ना करिएगा, वरना आपको ही समस्या होगी, हमें नहीं होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप करके। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती संबंधित सभी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको फ्री में क्लास नोट्स मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या दुर्गेश सर टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। जो भी साथी नए आ रहे, देखिए सबसे लंबा, अभी लोग बहुत सारे लोग बता रहे यूकेलिप्टस, देखिए यूकेलिप्टस जो है वो सबसे बड़ा वृक्ष है, नो डाउट, यहाँ पर कोई नहीं है। इसे प्रकृति का जो है ये, इसको भी दुश्मन कहा जाता है, लेकिन देवदार नहीं है, प्राग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे सही उत्तर जो होगा वो शिकुआ होगा। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा लंबा जो जीवित वृक्ष है वो शिकुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बी का राइट आंसर है। तो जिन साथियों ने इसका उत्तर बी बताया था उनके जवाब सही हैं, बाकी लोग के जवाब गलत थे, बी वाले इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी फॉर बॉल इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई-लर्निंग पे दुर्गेश की फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीन है और एक नहीं है। प्रश्न को अगर अंत तक नहीं पढ़ेंगे तो प्राय परीक्षा कर जाएंगे। फटाफट कमेंट करिएगा, आप ई-लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़े हुए थे, जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा सभी लोग। यार क्या कारण है, सभी लोग फटाफट, क्या उत्तरदायी नहीं है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जवाब दें। देखिए कह रहे हैं कि अनुवांशिक भिन्नता, अगर अनुवांशिक भिन्नता होगी तो क्या उसके लिए प्रजाति विलुप्त तो हो जाएगी। कह रहा नहीं होगी, कौन नहीं है, मान इसकी वजह से तो हो जाएगी ना। देखिए अगर अनुवांशिक भिन्नता होगी तो कमी आएगी तो क्या होगी, विलुप्त तो हो जाएंगे। फिर कह रहा है संकुचित नीच कर्मरता, जी नीच जो कर्मरता अगर संकुचित रहेगी तो भी क्या होंगी, ये उत्तरदायी होंगी, ये उत्तरदायी विलोपन के लिए। बड़े आकार शरीर वाला ये भी जैसे डायनासोर, जैसे आपका डायनासोर, लेकिन व्यापक नीच कर्मता जो है यह उत्तरदायी नहीं है, यह गलत है और यही सही है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप वीडियो को शुरुआत से पढ़ रहे होंगे तो मैंने इसके तथ्य के बारे में बताया है, व्यापक नीच कर्मता जो होती है यहां पर प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होती। इसका काम केवल होता है पर्यावरण में का विस्तार करना और पर्यावरण का तेजी से प्रकृति के आधार पर उनका बढ़ाना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अब इतने लोग लाइव देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग पहले तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें, ठीक, सभी लोग शेयर जरूर कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे व्हाट्सएप पे, जहां भी हो। अगला प्रश्न आपके लिए, आपके डिस्प्ले पे केवीएस के लिए इलेनी दुर्गेश पर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप सभी साथी कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया, ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित होती है। हाँ, ही केटिया सही जवाब है आपका, ये मैंने पढ़ाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक
एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, यह प्रश्न आपको जल्दी किसी किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपके बीच लेकर आए हैं ताकि आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के बाद, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपके मन में कभी भी अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको वहां पे गलती ना हो। तो फटाफट कमेंट करिएगा जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आज हमें यह देखना है कि कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है, क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करें। देखिए, अगर आपकी संख्या इतनी कम रहेगी तो मैं लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ाने पर अगर आपकी संख्या इतनी कम है तो ज्यादा कोई मतलब नहीं, मतलब पढ़ाने में कमी रह जाती है। देखिए, याद रखिएगा नाइट्रोजन, याद रखिएगा नाइट्रोजन, और यह पूरे वायुमंडल में 78.08% सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में गैस है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% लगभग 21% दूसरे स्थान पर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.003%, या भी पाई जाती मीथेन, इसे मार्स गैस कहते हैं, और यह धान के खेत से, दलदली क्षेत्र से जब पशुएं जुगाली करते हैं तब, या दलदली भूमियों से मार्स गैस निकलती है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मीथेन को CH4 के नाम से भी जानते हैं। मैं आगे बढ़ूँ अगले प्रश्न की तरफ, मैं आज ज़्यादा लंबा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। फूलों घाटी कहाँ है, मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, फटाफट कमेंट करें फूलों घाटी कहाँ पर है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें फूलों की घाटी कहाँ है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, जवाब दे कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, जवाब दीजिए फटाफट, फूलों की घाटी कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। देखिए, फूलों की घाटी की बात हो रही है और प्रायः लोग आप गलतियां कर रहे हैं। देखिए, एकदम आसान सा प्रश्न है यार, केरल में सांद घाटी है भैया, यहाँ पे सांद घाटी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कहां पर है कमेंट करके जवाब दीजिएगा, उत्तराखंड के किस स्थान पर फूलों की घाटी है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और ये क्लास मैंने आपको पहले बताया, प्रतिदिन रात 9:30 इलनी दुर्गेश पर लाइव चलती है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से है, फटाफट कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का सवाल का जवाब गलत नहीं होगा। जी हाँ, रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था, फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, जल्दी से फटाफट कमेंट करो जवाब दें। शुष्क भूमि लोग कह रहे हैं, जी नहीं, शुष्क भूमि नहीं है, वो नम भूमि है, नम भूमि को आर्द्र भूमि कहा जाता है, आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि। इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा, माने जितने लोगों ने इसका उत्तर सी बताया उनके जवाब क्या है पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र में है, क्या है, फटाफट कमेंट करिए, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है, फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका उत्तर आप लोग को सामान्य रूप से आसानी से मिल जाएगा, घास स्थल के नहीं, कृषि उत्पादन के नहीं, वायुमंडल चंद्र जी ने, अनुवांशिक भिन्नता के, जी हाँ, अनुवांशिक भिन्नता, मतलब डी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उनके जवाब सही हैं। जीव मंडल में आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है वो अनुवांशिक विभिन्नता के कारण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी का सही जवाब है, डी वाले सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, जैव विविधता के नाश होने का कारण क्या है, फटाफट कमेंट करें, आप लोग जवाब दें जो जैव विविधता के नाश होने का कारण क्या है, फटाफट कमेंट करें जवाब दें कि जैव विविधता के नाश होने का कारण क्या है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी से फटाफट कमेंट करें कि जैव विविधता के नाश होने का कारण सबसे बड़ा क्या है। देखिए, जैव विविधता के नाश होने का कारण क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, टेलीग्राम पे इसकी नोट्स के लिए आप लोग फ्री क्लास और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग पे दुर्गेश, फेसबुक पे
इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। हमारा एक चैनल और है स्टडी विद दुर्गेश, सर उसे भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। देखिए जीवो की प्राकृतिक आवास में कमी, देखिए जैव विविधता के नाश कारण क्या है, जो जीवों के जो प्राकृतिक आवास है जब उसमें कमी आती है तो ये सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण, इसकी वजह से भी नाश होता है, ये भी सही है। वनों का नाश, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, मान इसका जो चौथा उत्तर है अर्थात डी, इसका उत्तर सही है या डी इसका जवाब सही है। हाँ चलिए जल्दी उसके आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में जल्दी बता देंगे, कल हम आपको उसके बारे में विस्तृत वीडियो बना देंगे, राज्य उसके बारे में कल हम वीडियो बना देंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, फटाफट कमेंट करें जवाब दें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो फटाफट कमेंट करेंगे और जब और आप लोग जो भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को और फटाफट जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा खतरा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी जवाब दें। देखिए अगर आपको पर्यावरण तैयार करना है भैया, ऐसे प्रश्नों को आपको उत्तर देना पड़ेगा और अच्छे से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चलिए ज्यादातर लोग के जवाब सही आ रहे हैं, भंगुर परितंत्र जैसे मैग्रोव वन और नम भूमि, हिमालय में आगमा आवास हैबिटेट, ये नहीं है। प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश तथा झुंग, जी हाँ देखिए प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम कृति, ये सभी क्या है, जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। अब बताइए लगातार पेड़ों को काटा जाएगा और उनकी जगह पे फसल बोया जाएगा तो खतरा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ही। तो यहाँ पे प्राकृतिक आवास और वनस्पति का जो विनाश हो रहा है झूम कृति, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह यहाँ पर सी, इसका राइट आंसर होगा सी, इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मॉरिशस, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी कौन सा था, फटाफट कमेंट करिएगा और जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, वह पक्षी कौन सा है। कुछ देर पहले पढ़ाते समय इसका जिक्र किया था, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे हमारी क्लास को, हमारी सीरीज को, यकीनन आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। चलिए अगर आपने यहाँ पे गलती नहीं की है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। अब वो बताइएगा वृक्ष का नाम क्या है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा उस वृक्ष का नाम क्या है, क्योंकि जो पक्षी उसका नाम है डोडो, डोडो पक्षी मॉरिशस का है जो लगातार विलुप्त होने के कगार पर है, वह कौन सा वृक्ष है जिसका उसको फल नहीं मिल पा रहा है, माने जिस वृक्ष का फल खाता है वह वृक्ष ही संकट में है। ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को, कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि भारत में जैव विविधता के जो ताप स्थल हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट करें जरूर, जो भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को एलएन दुर्गेश पर फटाफट कमेंट करें। भारत में जैव विविधता ताप स्थल जो हॉटस्पॉट है वो क्या है, जवाब दीजिएगा जल्दी 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 फटाफट जवाब दीजिएगा सभी साथी जो भी डूब पे देख रहे हैं लाइव। देखिए अगर आप लोग यार वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, तो प्रश्न का उत्तर तो बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, ताप स्थल जो है वो हमारा बहुत सारे लोगों ने बताया है, तो जैव विविधता के जो ताप स्थल इन हॉटस्पॉट कहते हैं। कुछ देर पहले मैंने ऐसे प्रश्न को हल किया था यहाँ पे, मैंने कुछ देर पहले और आप सभी लोगों ने हल किया था, और आप लोग इतनी जल्दी अगर आप प्रश्न को भूलेंगे, इतनी जल्दी अगर आप गलतियाँ करेंगे तो हमारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। एक पश्चिमी घाट है, ठीक, क्या होगा आपका, पश्चिमी घाट होगा। दूसरा होगा पूर्वी हिमालय, इसका उत्तर क्या होगा, सी। देखिए थोड़ा सा प्रश्न की भाषा क्या बदल गई, आपने उत्तर देने का जो तरीका था वही बदल गया। मैं आपको बार बार कहता हूँ आप इस तथ्य को समझें, इस तथ्य को जानें कि थोड़े से वजह से आप प्रश्न में कैसे गलती कर जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हॉटस्पॉट की बात कर रहा है, हॉटस्पॉट को ताप स्थल यहाँ पे कह रहे हैं, ताप स्थल के लिए पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, मैंने आपको बताया ऐसे प्रश्न की सीरीज परीक्षा में बार बार आते हैं, यहाँ पर गलती करिएगा, परीक्षा हाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, फटाफट कमेंट करें। अनुप जी जल्दी हम चलाएंगे ज्योग्राफी की सीरीज,
सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। जैविकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इलेनिबी दुर्गेश पर आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। सभी लोग फटाफट, जैविकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अब ये मत कहिएगा सर आपको ये नहीं पता। अगर आपको ये प्रश्न नहीं पता तो हमारे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आपका पढ़ना व्यर्थ, मेरा पढ़ाना व्यर्थ है अगर आपका ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे यार अभी मैंने बताया पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, कितनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए। वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। अगला है आपके सामने प्रश्न, देखिए इससे मैं राजेश लेखपाल के ऑनलाइन बैच चले, यहाँ पर आप दाखिला ले सकते हैं और यहाँ पे 15 तारीख तक आप ऑनलाइन बैच में 1000 रुपये में दाखिला ले सकते हैं, जो 5000 रुपये की फीस थी इस समय 1000 रुपये है, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया है, ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है और यहाँ पे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव पीडीएफ आदि चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? फटाफट कमेंट करें, एकदम हलवा वाला प्रश्न है और जो साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट जवाब दें। चलिए माना ये हमारा भारत है, महान वाला भारत है हमारा, माना हमारा भारत महान है। अब आपको बताना है, देखिए पूर्वी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र हो ही नहीं सकता, थार का मरुस्थल हो ही नहीं सकता, बंगाल खाड़ी हो नहीं सकता, बचा क्या? ये हमारा पश्चिमी घाट। क्या बचा? पश्चिमी घाट। तो भैया जितने लोगों ने इसका उत्तर पश्चिमी घाट बताया है उनके जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। मैंने जितने लोगों ने पश्चिमी घाट बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, माने इसका उत्तर बी सही है। बताइए क्लास खत्म किया जाएगा, आगे बढ़ा जाए? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा जाए? 9:30 बजे क्लास लाइव चलती है, आप लोग डेली आ ही नहीं पाते। 9:30 बजे क्लास इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव चलती है और आप लोग समय से नहीं लाइव हो पाते, पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताएं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे? फटाफट कमेंट करें, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो साथी इलेनी विद दुर्गेश को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। रेड डाटा बुक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यार देखिए आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, विलुप्त के संकट ग्रस्त जंतुओं के बारे में है। जी हाँ एकदम सही है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, कहाँ से करता है, कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि जब हम पेट क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसका क्या होगा। ठीक, अच्छा ग्रीन डाटा क्या होता है? ग्रीन डाटा बुक क्या होता है इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं तब अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप लोग वीडियो में सपोर्ट नहीं करें, लोगों तक पहुँचा नहीं रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाएगी? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जो भी साथी नए आ रहे हैं, जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, या तो दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर जुड़कर ऑनलाइन क्लास नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट, लेखपाल, यूपीएसआई, आप सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी इलेनी विद दुर्गेश पर कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, चाहे आप हमारा यूट्यूब चैनल है, कहीं से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी प्रश्न का जवाब दीजिए ताकि हमें भी ये लगे कि यार आप लोग की तैयारी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ये आप लोग की गलती है। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसका उत्तर जो होगा सभी लोगों ने एकदम सही बताया है, जैव मंडल रिजर्व। वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रीय पार्क में
और जीवमंडल अभ्यारण में और जीवमंडल रिजर्व में क्या अंतर है, उसके लिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। आगे की सीरीज में हम लोग इन तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नीति है। तो सभी लोग इलेनी भी दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे ताकि हम आपके लिए इन सभी तथ्यों की एक निचोड़ सीरीज लेकर आएंगे और आपके लिए ये सबसे ज़्यादा किफायती और महत्वपूर्ण होगी। आपके मन में कोई डाउट कोई प्रश्न हो तो फटाफट पूछिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्रतिदिन रात 9:30 बजे सामान्य दिन की सीरीज में इसमें पर्यावरण सीरीज चल रही है, और इस तरह प्रतिदिन 9:30 बजे हमेशा आपकी पूरे अनंत काल तक लगातार जीएस की सीरीज ही चलती रहेगी। कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लीजिएगा, कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग, किसी भी नदी का प्रदूषण किससे मापा जाता है, किसी भी नदी का प्रदूषण कैसे मापा जाता है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। किसी भी नदी का जो प्रदूषण होता है वो किससे मापा जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे, ठीक है। और बायोडीजल किस पौधे से तैयार किया जाता है, जो बायो डीजल है ये किस पौधे से तैयार किया जाता है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चाहे आप अभी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो को बाद में देखेंगे, जब भी देखिएगा जवाब जरूर दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। मैंने एक पहला प्रश्न पूछा कि नदियों का जो प्रदूषण स्तर मापा जाता है, जी हाँ देवेंद्र राय ने एकदम सही बताया है, बीओडी, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका सही जवाब है। नदियों का प्रदूषण बीओडी से मापा जाता है और बायोडीजल पौधा जेट्रोफा है। मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर दूंगा। चलिए आखिरी सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, क्या आप लोग तैयार हैं। भारी जल किसे कहते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भारी जल किसे कहते हैं। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, फिर मिलते हैं रात 9:30 बजे इलेनी विद दुर्गेश पर प्रतिदिन, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लास की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं, बाय बाय। भारी जल किसे कहते हैं, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भारी जल किसे कहते हैं। और सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो अंत तक देखेंगे, क्लास खत्म होने के बाद भी आप देंगे, रात 9:30 बजे इलेनी विद दुर्गेश पर पर्यावरण की ऐतिहासिक सीरीज चल रही है, आप इसे देखना ना भूलिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। कोई सवाल कोई जवाब हो पर्यावरण संबंधित आप जरूर पूछेगा, पर्यावरण क्लास के संबंधित, क्योंकि कल आखिरी सीरीज है, उसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर पर्यावरण के जो प्रमुख संगठन है उन संगठन के बारे में पढ़ेंगे जहां से प्राय परीक्षाओं में प्रश्न आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जब भी जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। चलते हैं तब, फिर मिलते हैं अगले दिन, और सुबह से क्लासेज स्टार्ट हो जाती है, सुबह 7:30 बजे से। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, सभी क्लास की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाय बाय।